अब खबर नैनीताल से है, जहां शिया समुदाय ने मुहर्रम के मौके पर मातम मनाया, साथ ही सुन्नी समुदाय के लोगों ने ताजिए निकाले। बता दें कि मुहर्रम का ये दिन इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है। इस दिन इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहिब के छोटे नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 अनुयायियों का कत्ल कर दिया गया था। बता दें कि नैनीताल में शिया समुदाय ने मातम मनाया, सभी ने अपने पैगम्बर को याद किया। वहीं मल्लीताल क्षेत्र में मुहर्रम के ताजिए भी निकाले गए। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। नैनीताल से उन्हीं की याद में आज मजलूमियत का मातम किया जा रहा है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया को पैगाम देना चाहते थे इंसानियत का, और यजीद दुनिया में दहशतगर्दी करना चाहता था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान में आने की भी फरमाइश की थी कि अगर तुम्हें मुझे यहाँ रहना गवारा नहीं लग रहा है तो मुझे हिंदुस्तान जाने दो। चुनाचे हिंदुस्तान में आज़ादारी भी आए, लड़ाइयाँ भी हुई, झगड़े भी हुए, सारे काम हुए, लेकिन गैर मुस्लिम को जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुतासिर कर रही है वो है आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी में कोई कैद नहीं है, इसमें मुसलमान भी आते हैं, गैर मुस्लिम भी आते हैं और सब बनाम हुसैन इसमें शिरकत करते हैं। यहाँ पर आने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में हम नजर व न्याज का सिलसिला भी कायम करते हैं। आदमी यहाँ भूखा आएगा तो, लेकिन यहाँ से भूखा जा नहीं सकता।